सो मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू 2023 KTM 390 एडवेंचर एक्स, एंड इसकी जो ऑर्डर कॉस्ट पड़ती है वो है 3,40,000 रुपीस मुंबई। स्पेशल थैंक्स टू KTM हुस्कवरना गोरेगांव वेस्ट एंड आशीष सर, जिन्होंने जब मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसकी जो कॉस्टिंग है वो 70,000 लेस है, जो ऑन गोइंग मॉडल है जो TFT स्क्रीन वाला आता है उससे जो है ये 70,000 आपको सस्ती पड़ेगी। तो सीधा चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ, और यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होने वाली वो ये है कि यहाँ पे आपको ये ब्रांड न्यू पेंट स्कीम देखने को मिलता है ब्लू के साथ ऑरेंज कलर, और ये रहा 390 एडवेंचर एक्स की ब्रांडिंग। ये जो कॉम्बिनेशन है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। हेडलाइट्स पे आ जाते हैं, सो यहाँ पर आपको वही सेम हेडलाइट्स मिलती है, LED लाइट्स मिलती है जो आपको पहले की 390 में मिलती थी। तो इसमें ना इन लोगों ने कोई किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया है। टर्न इंडिकेटर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे LED में, और यहाँ पर आपको ये विंड वाइजर भी मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी हेडलाइट्स, ऑन होने पर जो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। एंड फ्रंट में आपको मिल जाते हैं WPFX की तरफ से USD फोक्स, ये वही सेम USD फोक्स है जो आपको एडवेंचर 250 में देखने को मिलते हैं। ये रहा इसका मड गार्ड, और ये रहे इसके टायर्स। बाय द वे टायर्स में आपको हल्का सा चेंज यहाँ पे मिलेगा। अभी जो है यहाँ पे आपको MRF की तरफ से मीटियर टायर्स मिलते हैं, इसका साइज है वो है 190/19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स, और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलती है, बट अगर आप चाहो तो इसमें सुपर मोटो मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है पीछे का जो ABS है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। सो ये है इसका फ्रंट पार्ट, और आ जाते इसके इंजन पे। सो यहाँ पे आपको वही सेम 373cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 42 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है। KTM की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये रहा इसके क्रैश गार्ड्स, और ये जो बैश प्लेट है वो भी आपको मिलती है, बट बैश प्लेट जो है वो यहाँ से मेटल की है। और ये रहे इसके फुट पैक्स, अगर आप चाहो तो यहाँ से ये रबर भी आप निकलवा सकते हो। और पीछे भी आपको WPFX की तरफ से ही मोनोशॉक्स देखने को मिलते हैं। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स। सुन लेते इसका एग्जॉस्ट नोट, कसम से बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा कड़क है, बहुत ज़्यादा तगड़ा साउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है। और पीछे आ जाते हैं तो पीछे ना आपको LED में ब्रेक लाइट्स मिलती है, और LED में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। पीछे भी आपको MRF की तरफ से मीटियर टायर्स मिलते हैं, 130/80/17 सेक्शन के टायर्स, डिस्क ब्रेक्स, और ये बाजू आ जाते हैं। सो यहाँ पे ना आपको सारी गार मिल जाएगा, और 6-speed गेयरबॉक्स मिलेगी, साइड स्टैंड मिलेगा, कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। सीट्स पे आ जाते हैं तो भाई सीट्स ना इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं चला के आ रहा था। सो राइडर एज वेल एज पिलियन जो है दो जन इस पर आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। आप ग्रैब बास भी देख सकते हो, काफ़ी मज़ेदार से ग्रैब बास यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 14 लीटर्स की टैंक मिलती है, बाय द वे दिस इज E20 कंप्लायंट, आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें से आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 की माइलेज मिल जाएगी सिटी और हाईवे को मिलाकर। और अभी आ जाते इसके हैंडल बार्स पे, सो हैंडल बार्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, और ये बाजू इंजन के स्विच और पावर का बटन। बाय द वे यहाँ पे ना आपको किसी भी तरह का वो फीचर्स नहीं मिलते जो आपको पहले की 390 में मिलता, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, क्विक शिफ्टर वगैरह वगैरह जो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। और स्क्रीन पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे आपको वही सेम LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो आपको 250 एडवेंचर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, स्पीड, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, किल स्विच की वार्निंग, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगी, के पोजिशन इंडिकेटर, कितने किलोमीटर चलिए, और बाकी सारी की सारी वार्निंग्स आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। एक और चीज़ जो इसमें सिमिलर रहेगी वो है यहाँ पे आपको ये स्लिपर क्लच मिल जाएगा, और राइड बाय वायर भी मिल जाता है। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द ब्रांड न्यू 2023 KTM एडवेंचर 390X। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटरोला के सेटअप में, एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी, लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटरोला के सेटअप में, और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। भाई ये बाइक पर बैठने के लिए पहले तो आपको ये हाइट लगेगी, बिकॉज इसकी जो सीट है वो थोड़ी ऊंची है, तो आपको लगभग 5'8" 5'9" की हाइट लगेगी। उससे नीचे अगर आपकी हाइट रहेगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाय द वे यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, तो आप चाहो तो ऑन द गो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट लगा के अपने गैजेट्स को आप चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना GPS माउंट भी लगा सकते हो। इसको शुरुआत करते हैं। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि KTM की बाइक्स को ना वो प्रीमियम तो ज़रूर से फील होती है। अब
ओके सर, सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। भाई यहाँ पे आपको वही सेम कंफर्ट मिलता है जो आपको पहले 390 में मिलता था और एडवेंचर 250 में भी मिलता है। अर्गोनॉमिक वाइज आपको बिल्कुल भी चेंजेस यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। और टैंक जो है को काफ़ी बड़ा सा यहाँ से फील होने लगता है। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। हैंडल बार्स है बहुत ज़्यादा वाइड हैंडल बार्स है इसके, और आपको यहाँ पे वो एकदम ही कम्फर्ट वाली फील मिल जाएगी। सो कम्फर्ट को लेकर ना आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अभी आ जाते हैं इसके इंजन पे। भाई हम सभी लोग जानते हैं ये 390 सीसी वाला जो इंजन है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंजन्स। मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, टॉर्क ऑन डिमांड यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब इसको चला कर आपको ऐसा लगेगा आप सीधा टेक ऑफ कर जाओगे। इट इज़ ब्यूटीफुल, दिस मशीन इज़ फ्लॉलेस। ठीक ना, इतना ज़बरदस्त भागती है मैं आपको क्या ही बताऊँ। पावर को लेकर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। ओह माय गॉड, भाई एक टाइम के बाद आपको डर लगने लगता है, बट द पावर इज इनसेन। अगर आपको पावर से प्यार है तो आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। दिस इंजन इज ब्यूटीफुल यार। मतलब रिफाइनमेंट लेवल से ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो थोड़े बहुत ना आपको आपके फुट पैक्स पे लगते हैं और थोड़े बहुत जो आपको लगेंगे अपने हैंडल बार से, बाकी ओवरऑल इतने वाइब्रेशंस हैं नहीं, ठीक है। और अभी आ जाते हैं इसके हैंडलिंग पे। भाई इसको हैंडल करना इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 लाइट वेट मोटरसाइकिल, और आपको स्पीड ब्रेकर वगैरह देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आराम से सोख लेते हैं। हाँ, सिर्फ आपको ना इस मोटरसाइकिल को वो करेक्ट गियर देना पड़ेगा, वरना बाइक जो है वो खड़खड़खड़ करना शुरू कर देती है। और हॉर्न भी लाउड है। हैंडलिंग इज़ वेरी वेरी इजी। आप देखिए जो ग्रिप प्रोवाइड कर रही है इसके टायर्स, और इसका जो ओवरऑल बाइक का बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा कड़क है यार, काफ़ी ज़्यादा कड़क। चलो गोप्रो भी ऑन है भाई, कभी कभी देखना पड़ता है गोप्रो ऑन है कि ऑफ है। ब्रेक्स पे आ जाते हैं भाई, इसकी ब्रेक्स ना फ्रंट ब्रेक्स इज ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। मतलब बाइब्रे की जो डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको मिलती है इट इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वो तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। यू टर्न वगैरह मारने में दिक्कत नहीं होती। और अगर मैं रेयर ब्रेक की बात करूँ दैट इज़ ऑल्सो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, बट मेन जो है गेम उसके फ्रंट ब्रेक्स का है। द फ्रंट ब्रेक्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। और भाई स्लिपर क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है। वाओ, हाँ। और अगर मैं इसकी हीटिंग की बात करूँ तो ये 373 सीसी का हम सभी लोग जानते हैं पावरफुल इंजन है, पर अगर आप पैंट और शूज़ पहन के मेरे से चलाओगे तो आपको इतनी हीट नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ से हीट ज़रूर से पास आउट होती है, बट वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो मैनेजेबल है। चलो सिग्नल खुल गया, ठीक है। तो हीटिंग है इसका मैनेजेबल, ये मैं बता सकता हूँ। ओके, सो आई फील मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है ऑन द KTM 390 एडवेंचर एक्स। फ्रेंकली बताओ भाई, अगर आप यू नो चाहते हो आपको एक थ्री से एक पावरफुल बाइक चाहिए 3 लाख के बजट में और एडवेंचर, मतलब आप इसको किधर भी लेके जा सकते हो, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए, और अगर आप और आपको ना स्पेशली पावर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है भाई, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल, इससे ज़्यादा आपको पावर की गरज नहीं पड़ेगी, तो मुझे आप लिख के ले लो। सो आपको डेफिनेटली ये बाइक चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।